हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत समय से जो है मांग हो रही थी कि आप जो है बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का पेपर सेकंड डाल दीजिए। 2023 का 22 का अपलोड है और 22 का मुझे लगता है दो बार अपलोड हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा भी कि मैडम 22 का दो बार हो चुका है, 23 का अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो चलिए, 23 का आपका प्रीवियस पेपर हम लेकर आ चुके हैं और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस पेपर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हृदय सुमन की वेबसाइट पर तो होते नहीं हैं, तो चलिए आपके लिए हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसके लिए लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको हमने प्रोवाइड कराया, आप शेयर करके उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट लाइक शेयर करने के साथ साथ हिंदी मिरर का ऐसे अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आपके क्वेश्चंस के साथ साथ लास्ट में जो आपका सी सेक्शन होता है जिसमें 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एमसीक्यू का सॉल्विंग हम साथ में लेकर आए हैं 15 के आंसर का। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर कोशिश की गई है देने की आपको, ये फिर भी आपको लगता है कि उन एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री 1815 से लेकर 1945 तक की क्या रही वर्ल्ड हिस्ट्री। सेक्शन ए, यहाँ पर सेक्शन ए में पता ही है सबको कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 में से आपको चूज़ करने होते हैं कोई से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था वायसराय की संधि 1919 के गुण एवं दोषों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को बताते हुए इसके महत्व की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति से नवीन जर्मनी का निर्माण किया, इसकी विवेचना कीजिए। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है तो आप देख रहे होंगे वहाँ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था तो वहाँ से देखिए कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर ये शुरू में ही पूछ लिया गया है और हमने आपसे कहा था कि बिस्मार्क के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। वहाँ पर देखिए रक्त और लोह की नीति के बारे में, फिर वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखिए, फिर लास्ट 5 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें अमेरिकी गृहयुद्ध पर एक निबंध लिखिए। अमेरिकी गृहयुद्ध बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिस्मार्क को अच्छे से पढ़कर जाइए, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छे से पढ़कर जाइए, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीनों टॉपिक में से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब आ गए हैं आपके जो आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 5 नंबर का आपका एक होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था लास्ट ईयर। एक तो मैसिनी के बारे में पूछा गया, इसके बाद विल्सन के 14 सूत्री फार्मूले क्या थे और मैटरनिच के बारे में पूछा गया, फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम। अब ये लास्ट टाइम शॉर्ट में पूछा गया था, इस बार ये 99% आपका लॉन्ग में आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध को भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, फांसी बात को भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी 99 आपका लॉन्ग क्वेश्चन निकल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो शॉर्ट हैं वो लॉन्ग बन जाते हैं, जो लॉन्ग होते हैं वो शॉर्ट बन जाते हैं, तो इस तरह का भी पैटर्न कुछ रहता है। फिर इसके बाद है वालादिमिर लेनिन, फिर इसके बाद ब्रिटेन में 1932 में हुए संसदीय सुधार और काबुर। काबुर को पढ़कर जाइएगा, देखिए ये रिपीटेड आपका प्रश्न है, ये 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया और हमने क्वेश्चन बैंक में भी इसके बारे में डाला है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं सी सेक्शन की तरफ जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 के 15 की कोशिश की गई है कि सही आंसर आप तक पहुँचे। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, पिडमोंट या फिर पोलैंड। तो फर्स्ट का आंसर आपका जाएगा प्रशा, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रथम बाल्कन युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था, फर्स्ट बाल्कन वॉर ब्रोक आउट द विच ईयर। सेकेंड का आंसर आपका जा रहा है सी 1912 में, ठीक है, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस फ्रांसीसी क्रांति को फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं किस क्रांति को फरवरी की क्रांति कहते हैं, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की या फिर उपरोक्त सभी, तो ये तो खैर एलिमिनेट हो जाएगा।
तो थर्ड का आंसर अगर आपने लगाया है सी तो बिल्कुल सही लगाया है, इसमें जो है 1848 की क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1917 की रूसी क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट या जार कौन था? तो चलिए देख लेते हैं, फोर का आंसर आपका क्या जाने वाला है, माइकल, अलेक्जेंडर सेकंड, निकोलस वन या निकोलस सेकंड। तो फोर्थ का आंसर अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही लगाया है, निकोलस सेकंड, और ये रिपीटेड है, ये आपका 22 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का संयोजक कौन था? वियना को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट को, इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या आपका आंसर जा रहे हैं। पाँचवें का आंसर संयोजक कौन था, तो इसमें फिफ्थ का आंसर आप लगा सकते हैं सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिच। फिर चलते हैं सिक्स की तरफ, संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये लास्ट टाइम भी आया था 22 में और अभी भी आया है, तो सभी को मालूम है इसका आंसर, बताने की ज़रूरत नहीं है। सेवन की तरफ हम चलते हैं, सेवन में पूछा गया था अंग्रेजों की तरह का राजा बनने की अपेक्षा मैं लकड़ी चीरना अधिक पसंद करूंगा, यह कथन किसका था? चार्ल्स दसम का, लुई फिलिप का, जेम्स सीथी का या नेपोलियन तृतीय का। तो जल्दी से इसका आंसर आप सोच लीजिए, क्या आप जा रहे हैं इसके साथ, फिर इसके बाद हम बता देते हैं। अगर आपने चार्ल्स दसम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था बर्लिन कांग्रेस का आलेखन कब हुआ? तो यहाँ पर बताना है 1875, 76, 78 या फिर 82। तो बर्लिन कांग्रेस का आलेखन हुआ था 1878 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नाइन, गुप्त संधियों का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को, हिटलर को, काबुर को या फिर बिस्मार्क को। तो जो गुप्त संधियों का जनक था वह बिस्मार्क था, और बिस्मार्क को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस प्रशा, ऑस्ट्रिया फ्रांस प्रशा, ऑस्ट्रिया रूस प्रशा, यहाँ पर बताना है किसके बीच हुआ था, इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं आप ये। तो यहाँ पर जो है 10 का आंसर अगर आपने ए सोचा है फ्रांस प्रशा तो बिल्कुल सही है। चलते हैं 11 की तरफ, ब्रिटेन ने 1904 में किस देश के साथ आर्थिक समझौता किया था? 11 का आंसर यहाँ पर बताना है आपको क्या जा रहा है, फ्रांस है, तुर्की है, अमेरिका है या फिर रूस है। तो इसका आंसर आपका फ्रांस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के ऊपर कुछ नहीं और राज्य से आगे भी कुछ नहीं, यह कथन किसका है? मतलब राज्य से ऊपर उन्होंने किसी को भी नहीं समझा है। तो 12 का आंसर देख लीजिए, मुसोलिनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है या फिर कांट है। तो 12 का आंसर अगर आपने सोचा है ए मुसोलिनी तो बिल्कुल सही है। चलते हैं 13 की तरफ, चार्टिस्ट आंदोलन कौन से देश से आरंभ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड। तो 13 का आंसर अगर सोचा है इंग्लैंड तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चार्टिस्ट आंदोलन के दौरान प्रमुख 6 भागों का मसौदा किसने तैयार किया था? फियरगर्स ओकेनर, विलियम लोवेट, थॉमस ऑरवुड, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो 14 का आंसर बी इसका जाएगा, विलियम लोवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध ने निम्नलिखित में किसका अंत किया? दास्ता, जमींदारी प्रथा, रंगभेद या जाति प्रथा। तो जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था उसने दास्ता का अंत किया था। तो इस प्रकार से ये आपके सॉल्विंग के साथ साथ 2023 का हमने पेपर अपलोड कर रहे हैं, और फटाफट आपका एक ही काम है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और हिंदी मिरर का हिस्सा बने रहना है। बन तो आप फर्स्ट ईयर में गए थे लेकिन अभी भी आपको बने रहना है।